मैं हूं अब्दुल काबिज और आप इस वक्त हैं पंजाब केसरी पे। चुनावी हलचलों की बात करें तो 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संभावित कार्यक्रम है, जिसकी ऑफिशियली पत्र भी जारी हो चुका है। हमारे साथ में यहां पर चुनाव प्रभारी श्री संतोष अग्रवाल जी यहां पर मौजूद हूं कि मोदी जी के आगमन से पूरे जबलपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में फर्क पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सिवनी ज़िले में जो 2 सीट नहीं जीत पाती थी, निश्चित भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभाओं में अपना परचम लहराएगी। हमारी जनता मोदी जी को सुनने के लिए आतुर है। सिवनी विधानसभा का एक एक घर का कार्यकर्ता, एक एक हमारा नेता, एक एक हमारे सभी संयोजक, बूथ के अध्यक्ष, सभी मोदी जी के स्वागत के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। निश्चित भारतीय जनता पार्टी को इसका सिवनी ज़िले में तो मिलेगा, आसपास के ज़िले बालाघाट, छिंदवाड़ा और हमारे नरसिंहपुर ज़िले में भी मोदी जी की सभा का बहुत प्रभाव पड़ेगा। बड़े बड़े सुखद अनुभव महसूस कर रही है हमारी ज़िले की जनता कि जो हमारे सम्माननीय मोदी जी ने हमारे सिवनी ज़िले को, छोटे से ज़िले को अपना कार्यक्रम दे रहे हैं। निश्चित केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हम आभार करते हैं और सम्माननीय मोदी जी के आगमन को लेकर समस्त ज़िले से अपील करते हैं कि वह मोदी जी की सभा को जगदम्बा सिटी में 10 बजे मोदी जी का आगमन होगा सुनना न भूलें। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता मोदी जी के आगमन पर घर पे पीले चावल डालकर हर घरों में मोदी जी के आगमन के लिए आमंत्रित करें। जय भाजपा, विजय भाजपा। कितने ऐसे इस रैली में कितने लोगों के शामिल होने की संभावना है और कौन कौन ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो उनके साथ में यहां पर आपको दिखेंगे, जिस तरीके से चारों तरफ जबलपुर संभाग की आप बात कर रहे हैं? मोदी जी के साथ संभवतः है हमारे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री सम्माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी भी, और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और प्रदेश का अधिकांश नेतृत्व हमारे बीडी शर्मा जी, संभवतः प्रदेश के पदाधिकारी वो भी उपस्थित हो सकते हैं। और हमारे जो ज़िले का टारगेट है, कम से कम 1.5 लाख कार्यकर्ता हमारे बूथ के जो वहाँ पहुँचे, जो मोदी जी की बातें, मन की बातें, मोदी जी के लिए जो मोदी जी देश को जो संदेश देना चाहते हैं, विश्व को जो संदेश देना चाहते हैं और हमारी सनातन व्यवस्था को जो संदेश देना चाहते हैं, वो उसके लिए कम से कम 1.5 लाख की जनसंख्या, ऐसा हमारा मानना है कि मोदी जी की आम सभा में संभवतः पहुँचेगी। यकीनन तौर पर इस चुनाव में यूथ को लेकर काफ़ी गंभीरता दिखाई है दोनों पार्टियों ने। मोदी जी का आगमन, एक राष्ट्रीय सुप्रीमो का आगमन सिवनी में हो रहा है। नरेंद्र भाई, आप बताएं युवाओं में किस तरीके से जोश फूकने आएंगे और कितनी सीटों को इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर? निश्चित तौर पे सिवनी जो हमारा ज़िला है, भौगोलिक दृष्टिकोण से एक तरफ में छिंदवाड़ा है, नरसिंहपुर है, मंडला है, जबलपुर है और बालाघाट है, ये चारों तरफ 5 जिलों से हमारा सिवनी बीच में आता है, तो भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा केंद्र बिंदु है जहां पर हमारे सम्माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की सभा होने जा रही है निश्चित तौर पे। और हमारे सिवनी ज़िले के जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे ज़िले से ही हैं, जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में उसका नेतृत्व करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी है और वह लग भी गए हैं। हमारे ज़िले में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, पूरे मंडलों में बैठक चालू हो गई है कि किस तरीके से पूरे पदाधिकारियों को इस आम सभा में पहुँचाना है, और लगातार इसकी तैयारियाँ भी प्रारंभ हो गई हैं। यकीनन तौर पर जैसा कि संतोष भाई बता रहे थे कि 1.5 लाख का जन समुदाय यहाँ पर एकत्रित होगा, लगभग जबलपुर संभाग के भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। अब देखना है कि इन तैयारियों के बीच में कांग्रेस, जो कि अभी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, कितना पूर्ण कर पाती है। सिवनी से पंजाब केसरी के लिए मैं अब्दुल काबिज खान।